ठाकुर हमरे रमण बिहार, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे स्वामी जी है ना, इनने हमको भी बावरा कर दिया। एक बात तो ये कि कल हमारे आचार्य श्री रमेश भाई ओझाश्री कह रहे थे कि सारी सृष्टि पूरा अस्तित्व स्वयं में नियंत्रित मर्यादित अनुशासित है और भगवान की उपासना में लगा हुआ है। इन पेड़ पौधों को देखो, कोई प्रतिक्रिया करता है? कभी कोई बंदर आके इन पर चढ़ जाता है, कभी कोई आदमी इनको हिलाने लग जाता है, कोई तोड़ लेता है, कभी हवाओं के थपेड़े झेलते हैं, कितनी धूप इन पर पड़ती है, कितनी ठंड इन पर पड़ती है। किसी पेड़ को तुमने कभी प्रतिक्रिया रिएक्शन करते देखा? नहीं, सहज। ये पेड़ ऐसे हैं जैसे कोई सिद्ध साधना कर रहा। हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जी ना, मुझे उम्र का तो इनको पता नहीं, ये तो थोड़े बहुत बाल मेरी तरह सफेद हो गए इनके, नहीं तो एकदम बच्चे जैसे ही लगते हैं। वैदुष्य उच्च कोटि का, वक्तृत्व भी उच्च कोटि का, इतनी सरलता और सहजता, सबसे बड़ी बात साधुता। जो हमारे पूज्य महाराज श्री में भी यही देखने को मिलता, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, इनके कमरे में जाओ तो चारों तरफ जो है लाइब्रेरी में वो पुस्तकों का ही दर्शन होता है। उससे बड़ी बात साधुता। मैं तो देश दुनिया घूमा हूं, साधु के आश्रम में जो पर्ण कुटीर होनी चाहिए ना, वो पर्ण कुटीर शायद इकलौते इस रमण नीति आश्रम में ही है। तो महाराज श्री सुबह कह रहे थे कि भाई ब्रज भूमि में आ गए तो यहां तो प्रवेश मात्र से तुम सच्चिदानंद रूप हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्यादा भूल जाओ, यहां आकर के तुम सच्चिदानंद रूप हो जाओगे, तुम इसके भीतर उस सच्चिदानंद को देखो। ये पेड़, ये पंछी, यहां की गिलहरी से लेकर के यहां के मोर से लेकर के पपीहे से लेकर यहां के पंछियों से लेकर के
सब अपनी मर्यादा में लगे। गधे को 7 दिन भूखा रखो और फिर उसके सामने एक तरफ घास रखो, दूसरी तरफ बिरयानी, जो भी मीट मच्छी जो भी, वो गधा भी 7 दिन भूखा रहने के बाद भी, और एक तरफ घास भी मत रखो, तुम उसके सामने मांस रख दो, खाना तो बहुत दूर की बात रही, वो उसको सूंघेगा भी नहीं। यह है गधे की भी मर्यादा। कोई दुष्कर्म करता है ना, बोले गधे कहीं के, अरे गधा तो तेरे से अच्छा है। गधा भूखा मर सकता है लेकिन घास के अलावा मांस नहीं खाएगा। प्यासा मर सकता है, वो शराब नहीं पिएगा, अरे शराब की तो बात दूर की रही, वो कोका कोला पेप्सी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिएगा। गधा अपनी मर्यादा में। जो पूज्य रमेश भाई जी बोल रहे थे कि शरीर ये गुरु है, ये मन जो है ना ये चेला गड़बड़ करता है। मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जावे रे मन मरा थन, कई विधि समझाऊ मनड़ा थारे मत चलो तो, मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जावे रे मन मरा थन, कई विधि समझाऊ। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुव सुदुष्करम। उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा, क्या सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या, तमन्नाएं जो तेरी है फुहारे हैं ये सावन की फुहारे, सूख जाती है फुहारों का भरोसा क्या। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, तू संभल ओम काली कर विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा। जब गड़बड़ हो जाती है ना, बोले मन बिगड़ गया, अरे भाई ये तो बिगड़ेल है ही, इसको नकेल डाल के रख। इंद्रियाणि हयाना हो विषयास्तेषु गोचरा आत्मिन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्त्वा इत्याहुर मनीषिणः आत्मानं रथिनं बुद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं इति मन प्रग्रहमेव। मैं नकेल तो पकड़ के रखनी पड़ेगी, हमारा भी तो मन है ना, इधर उधर जाके दिखाए, ऐसे खूंटे से बांध रखा है, आंधी आए भूकंप आए चाहे प्रलय क्यों ना हो जाए, हमारा मन उसकी नकेल हमारे हाथ में है, वो खेल नहीं खिला सकता हम। और ये सबके जीवन में होना चाहिए। देखो भाई, यदि ये काबू में नहीं रहना तो फिर कुछ बात बनेगी नहीं। सारी सृष्टि, ये पूरा अस्तित्व, गधे से लेकर के कुत्ते से लेकर के चींटी से लेकर के हाथी तक, सब मर्यादित है, सब अनुशासित है, स्वयं स्वयं में नियंत्रित, सब स्वयं में नियंत्रित। अब देखो जितने भी जीव जंतु हैं कब भोग करते, मात्र संतति की उत्पत्ति के लिए ही नर्मदा का मिलन होता है। इस आदमी को ब्रह्मचर्य का उपदेश देते देते सारे शास्त्र और संत थक गए, फिर भी यूं कहे मन माने नहीं, बुढ़ा हो गया है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, फिर भी भीतर की तृष्णा न जीर्ण वय में भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता तपो न तप्तम वय में तप्ता कालो में यातो वय में याता तृष्णा न जीर्ण वय में न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य यत् पृथिव्याम बृहियमं हिरण्यं बसवास्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजे। क्या बड़ी बात है, सारी सृष्टि की दौलत वैभव ऐश्वर्य एक व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी भी तृप्ति नहीं हो सकती। मैंने देखा है
मैंने दरिद्रों को भी देखा है, गरीबों को भी देखा है, मैं तो वहीं पैदा हुआ, और दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति को भी देखा ही नहीं है, उनके साथ में एक संबंध है। कोई कहते हैं हमारा 10,000 करोड़ का मकान, 10,000 करोड़ का मकान, अब कई कई 1,000 करोड़ के प्लेन में चलते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं, अतृप्त हैं, अधीर हैं। जैसे आग में घी डालते हैं, न जातु काम कामानं भोग्यनोपशाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। पूर्णं वर्ष सहस्रं मे विषयाशक्त चेतसा तदप्यनं दिनं कृष्णा मम तेषु उपजायते। ये हाल है, तो सुखी कैसे हो? ये सारी सृष्टि तो सिखा रही है ना, ये ब्रज सिखा रहा है, ये सारा अस्तित्व तो उस भगवान से उतप प्रोतईशावास मदम सर्वम सौत प्रोत ब्रजा से, सब ये रज कण रमन रेति के, और ये सृष्टि का कण कण उसी, जब कल कह रहा था यश विश्व उपासते प्रशिषम यस देवा विश्व कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसि इंद्रस्य युज्यसः तद् विश्वः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातः। देखो तो सही, तो इस सारी अस्तित्व को देखकर किसी सीखो, और जैसे बस इसमें सहज बहते रहो, अनंत के साथ लयबद्ध होकर। तो दो काम करने पड़ेंगे तो आप सब सन्यासी हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, कपड़े तो पहनने हो लेकिन भीतर की तृष्णा मिटी ना। यहां जितने हैं ये तो अच्छे ही हैं, इनके बारे में नहीं कह रहे, और भाई कनेक्शन किसी का कभी भी गड़बड़ हो सकता, इसलिए सबको सावधान रहना ही चाहिए। हमारे यहां तो बोलते साधु सावधान, दो चीज हो गई तो साधु हो गया, किसको तो जन्म से ही होते, जन्म औषधि मंत्र तब समाधि जा सिद्ध है, कुछ जन्म से ही सिद्ध होते, नहीं तो पुरुषार्थ से हम सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते। दो चीजें होनी चाहिए, भीतर से कोई कामना ना हो, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, नो एम्बिशन नो डिजायर, इसी को कहते हैं अकाम होना। एक शब्द आप बार बार सुनते हो, अकाम, क्या सुनते हो? अकामो धीर अमृता, अकाम होना, इसको इसी को निष्काम होना कहते हैं। कुछ कहते हैं जी कामना के बिना कैसे जिएंगे, निष्काम और अकाम होने का मतलब है आप्त काम होना। एक शब्द आपने बार बार सुना होगा आप्त पुरुष, और अब तो पुरुषों को तो हम प्रमाण मानते हैं, यच्छब्द माह तद अस्माकं प्रमाण, और ये शब्द यदि यदि ठीक से समझ नहीं हमारे भीतर पैदा हुई है तो ये शब्द ही रह जाते हैं, एक के बाद दूसरा हम शब्द सुनते रहते हैं, और मन में पहले ही सोच के रखा हुआ है कामना मुक्त तो हो ही नहीं सकते। कामना मुक्त होने का मतलब संकल्प से मुक्त होना नहीं है, संकल्प मय है पुरुष, उससे तो मुक्त हो ही नहीं सकता, फिर आप्त काम होना। अब चार चीजें आप्त काम में आती हैं, यदि आप ऐसा जीते हो तो आप गृहस्थी होकर के भी ब्रह्मचारी हो, जो पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करते, और या तो संतान की उत्पत्ति के लिए, या जो एक पति पत्नी का जो सहज धर्म उसका निर्वहन करते हुए जो गृहस्थ सुख का भी भोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी ब्रह्मचारी है, ब्रह्म में ही रमण कर रहे हैं। कैसे? जरा चार शब्द सुनो, एक आप ये निष्काम होना, आप्त काम होना, ये क्या है? इसको अनासक्त होना भी कहते हैं, गीता में और वेदों में दर्शनों में परिषदों में इसी की तो महिमा है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रमिव अम्भसा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय। ये क्या है? आप्त काम होने का मतलब है आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा उठती है उस
बस उस प्रेरणा को आधार मान करके काम करना, अपने संकल्प से काम नहीं किया, ये हो गया आपका काम। हर वक्त आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा उठती है। मेरे भी मन में कभी कभी आता था ये इतना अशुभ है, जैसे पूज्य महाराज जी कह रहे थे अखबार इसलिए नहीं पढ़ते, टीवी से नहीं देखते कि उसमें इतना ज्यादा नकारात्मकता, इतनी ज्यादा विद्रूपता है, इतना ज्यादा उसके अंदर जो है तमस है, देखने की इच्छा नहीं होती। तो कभी कभी मैं भी सोचता था हम लगे हुए योग के, धर्म के, सत्य के अनुष्ठान में और कह रहे हैं कि साहब अब सब इधर बड़ों को भड़ ही नहीं रहे, लेकिन नहीं, ये सत्य नहीं। तो मैंने जब ये वेद का मंत्र पढ़ा तो निर्भ्रांत हो गया। आप भी मेरे साथ पढ़िए, बोलेंगे दृष्ट्वा रूपे व्याकरो सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति ही। ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का और मनोविज्ञान का, अध्यात्म विज्ञान का। ये सुपर साइंस है, ये पराविज्ञान है, यही पराविद्या, अध्यात्म विद्या क्या है। भगवान ने, प्रजापति ने, जो सबका स्वामी है, सब प्रजाओं का जो पति है, उस प्रजापति ने जब सृष्टि की रचना की तो सबके भीतर एक ही संकल्प डाल दिया, दृष्टा रूपे व्याकृत सत्यानृति प्रजापति अश्रद्धा मनृति दधात। हर एक की आत्मा ना वो अश्रद्धा रखती है असत्य के प्रति और सत्य को स्वीकार करती है। हम आत्महनन करके आत्म अतिक्रमण करते हैं तब जाकर के पापों की ओर पग धरते हैं। नहीं तो आप गुरु करो, मैं अभी आगे बताऊंगा कि गुरु शास्त्र यह हमारी मदद करेंगे, वेद, वेदानुकूल आचरण, शास्त्रानुकूल आचरण, गुरानुकूल आचरण, ये सब आपके सहयोगी हैं। लेकिन ये भी मैं कहूंगा वैशाखियां हैं, सच्चा गुरु तो आत्म गुरु ही है, सच्चा वेद तो आत्म वेद ही है, सच्चा शास्त्र तो आत्म शास्त्र ही है। और ये शास्त्र ही कहता है, वेद ही कहता है, यस्मिन विचत साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठितार्थना भाविवारः यस्मै चित्तं सर्वोदं प्रधानं तन्मे मनस्य संकल्पमस्तु। ये भीतर वाली प्रेरणा कभी कभी सुन नहीं पाते, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती, इसलिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ती, इसलिए वेद की आवश्यकता पड़ती। वो वहां पर विकास संस्कृति न गमे हिमाश्रुते न विराधि सब कहा है, लेकिन मूल तत्व आत्म तत्व, यही आत्म ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। और ये आत्म ज्ञान ही समर्थ गुरुओं के सानिध्य में आकर के होता, और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं। ये परिचय भी भीतर का समर्थ गुरु ही करा। परीक्षलो कान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद आयात नास्त अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित वाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु भी हमें आत्मा से ही जोड़ते हैं। तो क्या है आपके लिए ये सदा रहने वाला गुरु साथ में। देखो गुरु हमेशा साथ में नहीं रहता भौतिक रूप से, शास्त्र हो सकता स्मरण ना हो और वेद हो सकता हम वेद का भेद हमारे लिए खुले नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर के पट तो तुम्हारे लिए खुले हुए ना सदा। भीतर के पट खोल रहे तो कुप्पी मिले, ये तो भीतर है ना सब। पानी में मीन पियासी रे मुझे सुन सुन आवत, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, यही हो रहा है। कुछ भी काम करो, मैंने तो इसको पग पग पर अनुभव किया है और एक बार भी ये फेल नहीं गया है। बहुत से मुझसे पूछते बच्चों से लेकर के बड़ों तक, अभी मैं आचार्य कुल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम वेद भी पढ़ाते हैं और उनको कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, बहुत प्रतिभावान बच्चे। तो मेरे से पूछने लगे बाबा जी आपको इंस्पिरेशन, आपको प्रेरणा कहां से मिलती है। बच्चे पूछते हैं आप किससे मार्गदर्शन लेते हो, आपको कौन गाइड करता है, आप तो लाखों करोड़ों को गाइड करते हो। जब मैं घर से चला था करीब 14 साल की उम्र थी,
मुझे ये भी नहीं पता था मेरी मंजिल क्या होगी, गुरु कौन होंगे, बस छोड़ के और घर चल दिया। कभी घर से बाहर नहीं निकले, बस में नहीं बैठे कभी, ट्रेन तो वहां अभी तक नहीं आती जिस गांव में मैं पैदा हुआ। अब चल दिए, अब कहां जाएंगे, सुना था हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार के लिए चल पड़े। इतना किसी से पूछ लिया था कि भाई बस के आगे लिखा रहता है कि यहां से यहां जाती है, तो एक दूसरी बस बदलते बदलते हरिद्वार की तरफ चल पड़े, लेकिन हरिद्वार पहुंचे नहीं उस दिन हम। घर में पहली बार जिंदगी में चोरी की, उसके बाद पहले और बाद में कभी नहीं की। अब घर से चुपचाप निकलना था तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले घर में ताले माता ही लगाती नहीं थी, तो एक डब्बे में पैसे रखे थे, वहां में तो 250-300 रुपए होंगे, वो निकाले और वो भी शायद 6 महीने तक चले होंगे। दो चार पांच रुपए में तो 100-200 किलोमीटर की यात्रा हो जाती थी, क्या दिक्कत, तो चल पड़े। पहले दिन से आज तक मैं आपको कह रहा हूं कि बस मन में आया कि निकलना है घर से, घर में नहीं रहना, और उसके लिए क्या क्या जुगाड़बाजी की वो तो अलग बात है, क्योंकि घर से भागना कोई प्रैक्टिस तो की नहीं थी, और डर रहता कि भाई घर वालों ने पकड़ लिया तो, पिता बड़े खतरनाक थे, पकड़े तो पूरा हाथ गोड़े तोड़ दे फिर मिल जाए, तो निकल पड़े। एक जगह गए, दूसरी जगह गए, पहले गुरु ने बोल दिया कि तुम्हारी उम्र थोड़ी बड़ी होगी, हम तो 5वीं पास को लेते हैं, हम 8वीं पढ़ चुके थे, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ते थे, पढ़ाई में फर्स्ट आते थे। मैं हमेशा बोलता भाई सेकेंड महीना हमको मंजूर नहीं है, जब भगवान ने हमको प्रथम होने की शक्ति दी है तो दूसरे दर्जे का जीवन क्यों जीना, सबको एक जैसा सामर्थ्य दिया प्रभु, बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के, उस सामर्थ्य को जागृत करने की आवश्यकता है। जीवन तो खेत की तरह, एक खेत में अकूत धन दौलत संपदा होती है, उसमें घी भी है, दूध भी है, तेल भी है, मिठास भी है, कड़वाहट भी है, बस आपको फसल के बीज बोने पड़ेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो खेती काटो, अपने जीवन में भी ज्ञान के बीज बोओ और पुरुषार्थ करो, जो तुम चाहोगे वो संकल्प तुम्हारा पूरा हो जाएगा, यही है जीवन और कुछ नहीं। खैर, तो मैं कह रहा था पहले दिन से लेके आज तक एक बार भी विफल नहीं गया मंत्र, जहां ले चलोगे प्रभु वही हम चलेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, चल पड़े। और गुरुकुल में गए, फिर वहां पढ़ाई की, फिर व्याकरण शास्त्र पूरा हो गया, आयुर्वेद शास्त्र, फिर दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र की शिक्षा लेके फिर हिमालय चले गए, फिर नीचे आ गए। आज तक जहां भी बैठे हैं, मैं आप बहुत से लोग सोचते होंगे बाबा जी बहुत प्लानिंग से सारे काम करते हैं, हमने भाई माफ करो कभी प्लानिंग की नहीं, हमको तो पता ही नहीं प्लानिंग होती क्या, सब अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दो, जो भगवान कराएगा वो शुभ ही होगा, ये होता है। देखो भाई जीवन में इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना, जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे वो करते जाओ, उसके बारे में ये मत सोचना कि इससे लाभ होगा कि इससे हानि होगी, इससे जीवन मिलेगा कि इससे मृत्यु मिलेगी, इससे सम्मान मिलेगा कि अपमान मिलेगा। और मैं तो आपको देखो, पहले मैं ये शब्द सुनता था तो मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि जिंदगी में कभी अपमान देखा ही नहीं था, और बाद में ऐसे अपमान का समुद्र उमड़ के पड़ा, मैंने कहा भाई अब ये गीता याद आएगी, अब ये गीता याद करने की आवश्यकता है कि मान क्या, अपमान क्या है, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद, तो मृत्यु उसके घर का आमंत्रण, इसलिए उससे भी डरने की क्या बात है। अब बताओ अपनी मां और अपने बाप के घर जाने में किसी को डर लगता है क्या, आओ जब मौत क्या है, मौत तो प्रभु के घर का बुलावा है। ए मैया, पीर में जाने में खुशी हो कि गम, तो ये दुनिया तो तुम्हारी ससुराल है, माई को तो तुम्हारे भगवान को घर ही है, तो जिंदगी को जीओ आनंद से, और जाना भी पड़े तो उसमें भी किस बात की परवाह, मस्त रहो। तो सुनो, कुछ भी काम करते हैं ना तो अंदर से प्रेरणा आती है, हर काम करो, सुबह उठने से लेकर के और दिन भर
हर समय आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा उठती रहती है, बस उसको करते जाओ। यही है आत्मनिष्ठ होना, यही है आत्म साक्षात्कार, यही है आत्मस्मृति, यही है स्वरूप में स्थिति, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया चितो स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्य वचनम। तो जो बस वो कह रहा है वो करना है, बस इसका परिणाम नहीं सोचो। हम परिणाम किस रूप में सोचते हैं? सत्ता मिल जाए, चार ही परिणाम के बारे में सोचते हैं। ये मैंने कहा ना, भीतर की अपनी कामना छोड़ दो और बाहर की चार इच्छाएं छोड़ दो, फिर तुम जीवन मुक्त हो। या तो सत्ता चाहिए या तो संपत्ति चाहिए, कुछ भी करते हैं इससे मुझे पावर मिलेगी। परिवार में पावर का ही तो खेल रहता है, जो ये सासू जो है ना यहां चाबी लगा के रखती, ये पावर ही तो है, ये पावर जो है ना, ये चाबी ये क्या है? अरे ते घर में अब बहू से यूं सोचती है कि माँ जैसा मेरा सम्मान करे, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, गुरु जैसे बताते ना ऐसे मेरे को ये आदर दे। लेकिन तू भी उसको बेटी की तरह स्वीकार करना, तो उसके ऊपर इतना भरोसा करिए चाबी उसके उसमें अपने आप पहना दे, उसकी साड़ी में लगा दे, तेरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आदमी ना पावर छोड़ता नहीं है, हमने तो तय कर लिया है। लोग तो बुढ़ापे में अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, हमको तो बाल सफेद होने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी बना देना है। ये है, संभालो भाई, एक नहीं कई कई संभालो, अपने को कहां है इसकी चिंता है? अपने पहले तो अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं, फिर किस बात के लिए? ये पावर, पावर, सबको पावर चाहिए। ये पुरुषों महिलाओं को, पुरुषों को भी तो यही है, मेरी चलेगी परिवार में। और पता नहीं इस अहंकार में परिवार को तोड़ देते हैं, परिवार टूट जाता है। संयुक्त परिवार कहां रहे आज? माइक्रो फैमिली हो गई है, आजकल तो उसमें जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी पर, नैनो फैमिली हो गई है। माता पिता को तो पहले ही प्रणाम कर लिया, फिर थोड़े दिनों में पति पत्नी होते हैं, दोनों में भी तलाक की नौबत आते, बच्चे छोड़ के भाग जाते, धी जवाई ले गए, बहुए ले गई, पूत और अपनी वाली भी हो गई, साइड में अकेला खड़ा रहता, फिर ऐसे ही बाबा जी है। ये कहां इससे कोई पता नहीं किस चक्कर में रहते, सब तहस नहस करके रखते रहे भाई। हमारे हमको देखो ना, सबसे प्यार करते हैं, अपना कोई घर नहीं और सारे घर अपने, पर गृह सुखी सर्पवत, आनंद करो, जहां जाओ वही अपना घर, जिससे बात करो वही अपना, सब भगवान के ही स्वरूप है, सब भगवान के ही स्वरूप है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा भूत विजानत तत्र को मोह काश्चो कैकत्वेन पश्यते। ये ऐसा भाव से रखो, पावर, पावर चाहिए सबको, पावर। ये सब पावर के चक्कर में, ओबामा भी पावर के चक्कर में, मोदी भी पावर के चक्कर में। अब ओबामा तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, अब इसके बाद में वो आज कहते दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, अब थोड़े दिन के बाद देख लेना ओबामा स्कूल में पढ़ाता हुआ मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से दो बार हो गया तो तीसरी बार फिर स्कूल में ही पढ़ाता, इसके अलावा उसकी कोई गति नहीं और जिंदगी भर दुखी होता रहता है, क्योंकि पावर छूट गई ना उनको, पावर चाहिए। अब मोदी भी कितने दिन रह लेगा? 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उसके बाद तो वो भी ऐसे बूढ़ा ही हो जाएगा। पावर से जो व्यक्ति ये चाहता है कि उससे सुख मिलेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता,